चलिए, वेरी गुड गुड आफ्टरनून सभी को, एरी वेरी गुड इवनिंग ऑल्सो। चलिए एक बार फिर से आज के दिन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। ओके फाइन, तो आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चले गए सारे के सारे? चले भाई जल्दी कीजिए, कोई प्रॉब्लम? ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यू रेडी। चलिए सबको वेरी गुड आफ्टरनून, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। और आपको पता है कि हम जो ओके चलिए वेलकम, आप सभी का भी वेलकम। चलिए प्रीति ओके, चलिए आपको पता है कि हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है दैट इज बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हमने इंग्लिश एडवांस बुक लेवल 2 का जो टारगेट लिया है उसको हम पूरा करेंगे डेफिनेटली। और इसके लिए हमने अब तक जो वर्ड्स कंप्लीट कर लिए उसमें आपको सबको पता है कि 900 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और होप आप सभी को याद भी होगा। और आज का इंटेंशन टारगेट है हमारा 1000 वर्ड्स कंप्लीट करने का। मैं आपको बता दूं इतने ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल के वर्ड्स नहीं हैं कि आप एक बार में याद नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादातर हमने पिक्चराइजेशन का यूज कम किया, और हमने ये देखा ज़्यादा से ज़्यादा कि वर्ड्स को अगर एक एक बार भी हम रिपीट करेंगे तो आप आराम से इनको याद कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, ओके, आप सभी को अगेन वेलकम बैक आप सभी का भी। चलिए वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स टेक स्टार्ट दी क्लास, टुडेज क्लास। यू नो वेल, आज की क्लास का जो पार्ट है वो हमारा 20 नंबर क्लास आपकी। अब तक 19 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, टुडेज द क्लास इज 20। ओके ओके, हिंदी और जीके की क्लास। देखो जीके वाला पोर्शन भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा, और वो तो ऑब्वियसली चल ही रहा है। जैसे आप राजस्थान पुलिस का टारगेट हमने लिया, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने जितने भी राजस्थान पुलिस में इंपॉर्टेंट आते हैं वो आ ही रहे हैं। इसके अलावा क्लास भी आपकी कंटिन्यू, बाकी रही बात हिंदी की तो वो भी मैं क्लास स्टार्ट करवा देंगे आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी के अच्छे टीचर जैसे सेट होते हैं वी विल स्टार्ट दी क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके कोर्स के पहले, आपके एग्जाम से पहले पूरा कोर्स करवाएंगे आपको, जब बोला हुआ है तो डेफिनेटली वो पूरी बात होगी। चले ठीक है, ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटे से क्योट से मिलते हैं, उसके बाद में फिर हम टॉपिक पर मिलेंगे। चलिए, क्योट बड़ा ही प्यारा सा है आप सभी के लिए। एक विद्यार्थी जीवन में आपके लिए कितना अहमियत रखता है इस क्योट को आप आराम से सीखिएगा, क्योंकि स्पेशली आपके सेलेक्ट किया गया। दो पर्सन है, एक स्टडी करे और एक सो रहे हैं, तो अब आप खुद देख लीजिएगा कि आप किन में आते हैं। आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, लाइन है जाने दो या जान लगा दो। पहली बात हुई जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो, आपको पता है इस चीज का, जिस वक्त आप चादर तान के एकदम मस्त वाली नींद ले रहे हो, उस वक्त कोई दूसरा आपके सपने को अपनी हकीकत बना रहा है। और हाँ, यही होता है, अगर आपको ये लगता है कि आपके सोने से, आपके टाइम को निकाल देने से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि पूरा इंडिया जो है इस समय, जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो सभी जाग रहे हैं और सभी दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। उन सबको ये पोस्ट चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप लड़ रहे हो। तो मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि जग जाओ, सोने का वक्त नहीं है, सोने पर कंट्रोल कीजिए। क्योंकि ये जो रातें हैं ना, अगर आपने इनको जीत लिया ना, अगर आपने रातों को जीत लिया, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए आप अपने उस टारगेट तक पहुंच जाइए। तो अपने आप को कमजोर मत बनाइए कि आपकी नींद आपसे ज्यादा भारी है, आप अपने आप को उससे ज्यादा ताकतवर बनाइए, तो ही आप अपने उस टारगेट को गेट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, अकॉम्प्लिश कर सकते हो, राइट? तो अंदर बस यही है, एक पर्सन जो दिन रात मेहनत कर रहा है, रात को भी लेट नाइट पढ़ रहा है और एक मस्त चादर तान के सो रहा है, तो उन दोनों में डेफिनेटली आप भी कह सकते हो कि किसका सिलेक्शन होने वाला है। जो भाई मेहनत करता है ना, उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत का कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, भगवान भी अपने पास में नहीं रख सकते। मेहनत करने वालों को डेफिनेटली भगवान अपना कुछ ना कुछ देते ही है जो उनको चाहिए। चले ठीक है, तो ये आप ही के लिए था कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, दो ही चीज हो सकती है। ये आप ठान लीजिए कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे की स्ट्रेटेजी प्लान को बनाते रहिए। आ जाओ, मैं तो सीधे ही पॉइंट पर आ जाता हूँ और मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ, जो मेरा कर्तव्य है आप लोगों के लिए। अपना कर्तव्य बखूबी निभाएं सभी के सभी। आ जाओ जी, सबसे पहला वर्ड आज का है रेस्पिट। आई रिपीट रेस्पिट, जिसका मतलब हो जाता है आराम, आराम, रिलैक्स करना, आराम करना, दैट्स इट, वी कैन सी। अच्छा जी, तो टाइम ऑफ रिलीफ और रेस्ट, मैंने कहा टाइम ऑफ रिलीफ और रेस्ट, एक ऐसा समय जिस समय हम रिलीफ और रेस्ट करें, दैट कैन बी कॉल्ड रेस्पिट स्पेशली, जिसको हमने रेस्पाइट के नाम से भी बोला था। याद करो, मैं एक चीज बता देता हूँ, इसको याद करने के लिए मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ रेस्पाइट, जैसे दोबारा स्प्राइट पी करके, या रेस के बाद पेट के बल लेट करके क्या लिया उसके बाद में, उसने आराम लिया, राहत महसूस की, आराम या राहत।
राहत का मतलब ही यही होता है कि एक प्रकार से रिलैक्स फील करना, राइट। रेस के बाद उसने क्या किया, रेस के बाद पीते ही या फिर कुछ भी पानी पीते ही मान के चलिए, तो देखो बोला ना रेस्पिट, तो रेस के बाद में उसने जैसे ही कुछ पी लिया, पीते ही उसने क्या लिया, राहत की सांस ली। रिलैप्स, अगला वर्ड आपका रिलैप्स, LAPSE कॉल्ड रिलैप्स, और री मतलब दोबारा, लैप्स होना मतलब पुनः, री का मतलब दोबारा, और पतन हो जाना, मतलब लैप्स का मतलब भी पतन होना, गिरावट होना, रिलैप्स मतलब पुनः पतन होना। फॉल इनटू अ फॉर्मर स्टेट, देखो फॉल इनटू अ फॉर्मर स्टेट, फॉर्मर का मतलब पूर्व, स्टेट का मतलब प्रवृत्ति या स्थिति जिसको हम बोल सकते हैं, तो स्टेट का मतलब यहाँ पर कोई राजस्थान राज्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक स्थिति की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है कि वापस से पुरानी स्थिति में चले जाना, जैसे व्यक्ति मान के चलिए कि बीमार था, अब सही हो गया, फिर से उसने गलती की और फिर से वापस क्या हो गया, बीमार हो गया, तो मैं उसके लिए जनरली बोल सकता हूँ कि रिलैप्स हो जाना, हो जाता है ना रिलैप्स, पुनः गठन हो जाना, पुनः नुकसान हो जाना। रिबेल, रेबल भी इसके लिए बोला जाता है और रिबेल भी, अमेरिकन साउंड इसका रिबेल है लेकिन ब्रिटिश साउंड बोलते हैं, तो रेबल इसके लिए बोला जाता है, दैट इज राजद्रोही के लिए बोल सकते हैं, बदला भी बोल सकते हैं, विद्रोह करना भी बोल सकते हैं, विद्रोह के लिए इसमें। देखो यहां से समझो मेरी बात, पर्सन व्यक्ति, हु टैक्स जो लेता है क्या, आर्म्स अगेंस्ट, आर्म्स मतलब हथियार ले लेता है किसके खिलाफ, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, जब कोई व्यक्ति अपने ही सरकार के खिलाफ क्या उठा लेता है, हथियार उठा लेता है, बगावत पर आ जाता है और उनके खिलाफ बोलता है और प्रोटेस्ट करता है, दैट्स मीट कैन बी कॉल्ड रिबेल करना, रिबेल का मतलब प्रतिशोध करना भी होता है एक प्रकार से और विद्रोह करना भी होता है, मैं इसको विद्रोह ही भी बोल सकता हूं, विद्रोह, फाइन, हम इसको रिबेल से रिबेलियन भी बनाते हैं, चलिए हो गया 1 2 3, तीनों वर्ड्स बड़े इजी और आसान से और बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। अगला वर्ड दे दिया आपको समैरिटन, समैरिटन का मतलब होता है असहाय की मदद करने वाला व्यक्ति, क्या कहलाता है, समैरिटन। जैसे मान के चलिए मैंने एक बात बता दी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सहायता करता है, तो एक समैरिटन के नाम से जाना जाता है, ना कि उसका कोई निगेटिव इंटेंशन है, बस फील कीजिए। तो ऐसे ही हुआ जनरली कि जब भी कोई व्यक्ति आपको आपको हेल्प कर रहा है, दैट्स मीन टू से वो व्यक्ति डेफिनेटली किस काइंड का है, समैरिटन टाइप ऑफ पर्सन है। अ पर्सन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर, देखो किसी अजनबी की सहायता करना, और हेल्पलेस किसी असहाय की हेल्प करना, पर्सन इन डिफिकल्टी परेशानियों में स्पेशली, दैट कैन बी कॉल्ड समैरिटन, डन। समैरिटन समर से याद कर सकते हो या समर से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना, तो समर याद कर लीजिए, समर क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है, ऐसा है कि मदद करने वाला नेक इंसान है। चलिए स्कैंडल मतलब बदनामी कर देना, किसी को बहुत बुरा भला कहना, किसी के लिए वो बोलते ना जैसे मान के चलो कि किसी का नाम खराब कर देना, नाक खराब कर देना, दैट्स लीड टू लैंग्वेज बोली जाती है, टॉक मतलब बात करना, दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी, कुछ इस प्रकार से बात करना, किसी के ऊपर कलंक लगा देना, दैट कैन बी कॉल्ड स्कैंडल करना, बहुत प्यारा वर्ड है स्कैंडल, तो स्कैंडल के लिए उसने क्या कर दी, उसकी बदनामी कर दी, रेपुटेशन को खराब कर दिया, स्कैंडल, समझ रहे हो, स्कैंडल के लिए। अब आपको कहोगे सर स्कैंडल का क्या राज है, स्कैंडल का राज उसने ये बताया कि उसने स्कैंडल की क्या किया, चोरी की है, तो उसने पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे दुकानों में डिंडोरा पीट दिया कि उसने ही मेरी कैंडल की चोरी की है, तो उसने क्या कर दिया, कैंडल के लिए बदनामी कर दी, स्कैंडल के लिए बदनामी कर दी। श्रूट, देखो साउंड, देखो श्रूट, श्रूट का मतलब होता है धूर्त, चालाक, और इसको आप चालाक के नाम से भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि हाँ धूर्त तो होता ही होता है लेकिन चालाक भी होता है, क्लेवर भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। जरा लैंग्वेज देखो, अ मैन एक व्यक्ति हु इज क्वालसम जो झगड़ालू नेचर का होता है, नोइजी होता है, आवाजें करता है तेज तेज, और नेगिंग करता है, नेगिंग का मतलब होता है कमियां निकालना, दोष खोजना किसी व्यक्ति के अंदर। आई रिपीट, नैग से नेगिंग बनता है, नेगिंग का मतलब, हाँ एग्जैक्टली, बेस मिर्च, शाबाश सरवन, बहुत बढ़िया, बस मिर्च के लिए उसने क्या कर दिया, उसके लिए उसका बदनाम कर दिया, बेस मिर्च, ओके वेरी गुड। बेस बैटर का मतलब यही होता है, बस पत्थर के लिए तूने क्या कर दिया, बदनाम कर दिया। चलिए जो अभी आ रहे हैं उन सबको वेरी गुड इवनिंग, ओके। श्रूट, श्रूट, ओके, श्रूट से याद रख लो कि बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है, स्कैंडल के लिए समैरिटन और श्रूट बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, डन। तो क्वालसम नेचर का जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं श्रूट जो है उसी के लिए एक वर्ड बोला जाता है, एग्जैक्टली रॉग ऑल्सो, एग्जैक्टली एक वर्ड और बोला जाता है श्रू, SHRE, ठीक है ना, श्रू, SHREW, दैट्स मीन टू, श्रू का मतलब होता है झगड़ालू स्थिति, स्त्री जो अभी आएगी देखना, अभी बता दे रहा हूँ। देखो अगला वर्ड है सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब हो जाता है कम काम वो अधिक पैसे वाली नौकरी, मतलब एक ऐसा काम जिसमें पैसे कम, सॉरी पैसे ज़्यादा हैं लेकिन काम बहुत कम करना पड़ता है। देखो कम तो काम है लेकिन पैसे अधिक है, अब सोचो यार ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसमें काम भी बहुत कम करना पड़े और बहुत सारे पैसे मिल जाए उसके बाद में, तो ऐसा कुछ, एन ऑफिस विच हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी, लेकिन तनख्वाह बहुत सारी देता है, तो ऐसी सैलरी को हम सिनेक्योर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे,
सिनेक्योर, तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको हमने साइनेक्योर के नाम से ही बोलते हैं। ब्रिटिश साउंड में इसको साइनेक्योर बोलते हैं और अमेरिकन साउंड में इसको सिनेक्योर के नाम से बोलते हैं। तो जो आपके अडेप्टेबल हो उसी वर्ड को साउंड याद करते हैं। सेवेज आपको पता है, असिस्ट, या आप इसके लिए असभ्य भी बोल सकते हैं, असभ्य, ठीक है ना। सावाजी, याद करने के लिए हमने इसको तोड़ दिया, सेवेज को क्या बोला हमने, सावाजी क्या है, असभ्य व्यवहार करते हैं। देखो वाइल्ड मतलब जंगली पीपुल, जंगली की तरह करने वाले। बिलोंगिंग टू, देखो बिलोंगिंग यहाँ से क्या हो गया, अपने आप में एक पार्टिसिपल का काम करा, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिलोंगिंग टू एन अनसिविलाइज्ड और अनडेवलप्ड ट्राइब और ग्रुप, अनसिविलाइज्ड और अनडेवलप्ड ग्रुप। जैसे मैं आपको बता दूं, जंगलों में जो जनजाति रहती है जो अभी भी डेवलप नहीं हुई है, जैसे आदिवासी लोगों को बोल दें, हालांकि मैं डायरेक्ट उनके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि हमें दिखाया जाता है ज्यादातर मूवीज में, सीरियल्स में, कि वो लोग क्या करते हैं कि जो लोग एग्जैक्टली कसी जॉब, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे कुछ लोग जो होते हैं, आपको पता है कुछ लोग जो होते हैं जनजातियों वाले, जो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और काट कर खा जाते हैं, या कुछ बंधक बना लेते हैं, जस्ट लाइक दैट समथिंग। तो सेवेज उसी से बन गया। तो सावाजी क्या करते हैं, असभ्य व्यवहार करते हैं। और सिनेक्योर जिसको अपन कह सकते हो, जिसमें पैसे क्या होते हैं, अधिक होते हैं और कम काम होता है, उसी के लिए हम पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड दे दिया आपको सर्वेयर, सर्वेयर का मतलब सर्वेक्षक हो जाता है। आई टेल यू वॉट हाउ कैन वी यूज, सर्वे करने वाला सर्वेयर कहलाता है, दैट्स इट। तो ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत है नहीं। ए पर्सन हूज ऑक्यूपेशन इज टू सर्वे लैंड्स एंड बिल्डिंग स्पेशली, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टेशनर्स, यू नो वॉट स्टेशनर, स्टेशनरी से ही बना, जहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, सेल्स राइटिंग मटेरियल्स जहाँ पर आपको मिल जाते हैं, पेन कॉपी पेंसिल जहाँ मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम। स्कल्पचर का मतलब हो जाता है मूर्ति की नक्काशी तैयार करने वाला। पर्सन हु कार्व्स, CARVE, जो कार्व क्या करता है, आउट फिगर्स, जो चित्रलिपि करता है, और स्पेशली नक्काशी, मूर्ति की कला, नक्काशी कला करने वाला, स्पेशली स्कल्पचर कहलाते हैं। हिंदी में बोलोगे तो मूर्तिकार भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। आप डायरेक्ट बोलोगे तो आप स्कल्पचर का मतलब हो जाता है मूर्तिकार। अच्छे से देख लीजिए, स्कल्पचर का मतलब हो जाता है मूर्तिकार। इट इज वेरी वेरी जनरली यूज, ओके, चलिए फाइन, नेक्स्ट वर्ड, ओके। स्कैफोल्ड, अगला वर्ड आपको दे दिया, स्कैफोल्ड मतलब फांसी का तख्ता। आपको कल बता रहा था मैं नूस, NOOSE, नूस का मतलब हो जाता है वो फांसी का जो बनाया हुआ, रॉप से बनाया हुआ लूप होता है, उसको नूस के नाम से बोल देते हैं, यू नो वेल नूस। और अभी हमारे बीच में जो वर्ड है दैट इज स्कैफोल्ड, इसका मतलब होता है फांसी का तख्ता, स्पेशली हम बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड, देखो एक प्लेटफॉर्म जिस पर क्रिमिनल्स को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट मतलब फांसी लगाई जाती है, दैट प्लेटफॉर्म कैन बी कॉल्ड स्कैफोल्ड, हो जाएगा स्कैफोल्ड। एग्जैक्टली स्कल्पचर का मतलब मूर्ति होती है, वेरी गुड। चलिए तो आई जनरली से स्कैफोल्ड है ना, इसके तो फोल्ड करने पर इसको क्या लगा, इसको फोल्ड करके क्या कर दिया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया। लेकिन मैं बता देता हूँ, दिस वर्ड इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको अच्छे से स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। देखो सब मर्ज, पानी में डुबोना, आपको पता है सबमरीन यूज की जाती है, इंडियन नेवी में एक वर्ड चलता है, इंडियन नेवी के ग्लोसरी में दैट वर्ड इज सबमरीन, तो पनडुब्बी जिसको हिंदी में बोला जाता है, यू नो। तो पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, पुट अंडर द सरफेस, जो पानी का सरफेस होता है उसके नीचे किसी को डाल देना, दैट कैन बी कॉल्ड सबमर्ज। तो मैंने बोल दिया सबको मर्ज करके क्या कर दिया, पानी में डुबोया, ठीक है, सबको मर्ज करके पानी में डुबोया, दैट्स इट। स्पिरिचुअलिज्म आपको पता है स्पिरिचुअल से बना, अगर आपको नहीं पता है तो भाई ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल का मतलब होता है अध्यात्म, जो आध्यात्मिक नॉलेज रखता है, अध्यात्म में ध्यान देता है, जो आध्यात्मिक चीजें सुनता है, रिलीजियस चीजें सुनता है, भगवान से रिलेटेड प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, दैट कैन बी कॉल्ड रिलीफ, दैट द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट, आत्मा जिसको अपन कह सकते हैं। स्पिरिट का मतलब जोत उत्साह भी होता है, स्पिरिट का मतलब एज ए नाउन आप कहोगे तो आत्मा भी आप इसके लिए बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअलिज्म बनेगा। स्कैफोल्ड हो गया फांसी का तख्ता, ओके, एंड सबमर्ज, डेस्टिनेशन डुबा देना होता है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता होती है। आई टेल यू दैट हाउ व्यू दैट, देखो व्यू नजरिया दैट की एजुकेशन एंड अदर मैटर्स शुड बी डाइवोर्स फ्रॉम रिलीजन। देखो इन्होंने ये कहा, इसका कहने का टारगेट ये हो गया कि व्यू एक ऐसा सोच नजरिया कि एजुकेशन एंड अदर मैटर्स, एजुकेशन और जितने भी अलग अलग मैटर्स होते हैं शुड बी डाइवोर्स, ठीक है ना, क्या होने चाहिए, धर्म से बिल्कुल अलग होने चाहिए। मतलब धर्म एक पूरा पंथ है, एक पूरा पंथ हो गया, उसी को हमने सेकुलरिज्म में बोल दिया। बहुत बार आपने सुना होगा इस वर्ड को, सेकुलरिज्म, सेकुलर से सेकुलरिज्म बन गया। ये रो देखो श्रू, श्रू का मतलब हो जाता है झगड़ालू स्त्री, जो झगड़ा करती है, जिसको जेंटीपी के नाम से भी बोल सकते हैं, यू नो वर्ड जेंटीपी, जेंटीपी के नाम से भी यही वर्ड चलता है, दैट कैन बी कॉल्ड श्रू स्पेशली।
एन इल टेम्पर्ड वूमन, जिसको बहुत गुस्सा आता है और जो हमेशा लोगों से क्या करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, दैट्स कैन बी श्रू। तो मैंने इसका नाम से ही बोल दिया कि श्रू तो क्या है, झगड़ालू स्त्री। तो ऐसे ही याद कर लो, श्रू तो क्या है, झगड़ालू स्त्री, उसका नाम ही श्रू है। चलो अगला वर्ड है सर्टिप्सस, ठीक ना, स्रेप्टिसस। अगला वर्ड हो गया स्रेप्टिसस, ये तो लैंग्वेज गलत लिख दी उन्होंने, स्रेप्टिसस, ठीक ना। तो स्रेप्टिसस का मतलब हो जाता है चोरी से का। देखो मैं बताता हूं आपको, तो चोरी करना दैट्स मीन टू से, जैसे देखो वन हु डन स्टिलिटली, स्टिल से स्टिलिटली बनता है, मतलब चुपके से करना। तो मैंने यहां से बोल दिया सर्प को सास क्या करती है, स्रेप्टिसस हमने बोला इसको, स्रेप्टिसस का मतलब हो जाता है चुपके से चोरी करना, मतलब छुपाना, दैट्स मीन टू से क्या करना, हाइड कर लेना, गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, हम जिसको बोल सकते हैं स्पेशली। तो इट कैन बी कॉल्ड ज़ेंटिपी, नॉट, इट्स नॉट ज़ेंटिपी, ज़ेंटिपी एग्जैक्टली ज़ेंटिपी लाइक दैट पर्सनैलिटी ऑल्सो, बट उसके लिए भी हम बोल सकते हैं झगड़ालू के लेवल पर। ओके चलिए, तो यहां से हमने बोल दिया स्रेप्टिशियस का मतलब हो जाता है छुपा लेना, गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। तो सर्प को सास क्या करती है, गुप्त रखती है, दैट्स मीन टू से स्रेप्टिशियस हो जाएगा, स्रेप्टिशियस। चलो अगला वर्ड, अगला वर्ड है सेवर। ध्यान दो, सेवर को पढ़ो, बहुत प्यारा वर्ड। सेवर का मतलब हो जाता है कटकर अलग होना। देखो किसी चीज को काटकर अलग कर देना, उसको हम सेवर बोल देते हैं। अब चाहे कोई भी चीज हो सकती है, अब आप खुद देखे, जैसे मान के चलिए कट करके आपने उस चीज को अलग कर दिया, तोड़ दिया, अलग कर दिया। तो जैसे ये मार्कर है, मैंने मान के चलिए इसको बीच में से कट करके अलग कर दिया, आई कैन से सेवर ऑल्सो। किसी भी कपड़ा है मान के चलिए, उस कपड़े को आपने उसको काट दिया बीच में से और उसको अलग कर दिया, दैट कैन ऑल्सो बी सेवर स्पेशली। तो इट इज, द साउंड इज सेवर, कटकर अलग कर देना, समथिंग टू टू पीसेस, दो भागों में कर देना स्पेशली, उसके लिए सेवर का यूज करते हैं, याद रखना सेवर। सीवियर अगला वर्ड हो गया, जिसको हम अत्यधिक बोल सकते हैं, इट इज एन एडजेक्टिव स्पेशली सीवियर। एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट इन डिग्री और क्वालिटी, मतलब किसी चीज की डिग्री और क्वालिटी वाइज हाई होना, अनप्लीजेंट भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, लेकिन बुरे अर्थ में ज्यादातर हम सीवियर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई बीमार है, तो हम उसके लिए भी बोल सकते हैं सीवियर सिचुएशन, सीवियर कंडीशन हम उसके लिए बोल सकते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर होती है। एग्जैक्टली बाइफरकेट जो बता रहे हैं किरण यादव, यू आर ऑल्सो राइट, बाइफरकेट का मतलब भी दो भाग ही होते हैं किसी के, लेकिन यहाँ से दो कट करके अलग कर देना, दैट इज डिफरेंट थिंग। कट करके अलग कर देना और एक दो भाग, अब पहले से ही दो भाग हो, बाइफरकेट तो ऑलरेडी दो भाग होते हैं, लेकिन यहाँ से कट करें, एग्जैक्टली। और आयन बता रहे हैं सर SEWER, एग्जैक्टली, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, नाला जिसको हम बोल सकते हैं, सीवर के नाम से बोलते हैं आप सीवर, ठीक ना। स्टोइसिज्म का मतलब ध्यान दीजिएगा, स्टोइक क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टोइक जो वर्ड होता है वो बहुत ही प्यारा वर्ड है, सबसे पहले तो ध्यान दो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको दर्द का एहसास ही नहीं हो। अरे यार, जैसे मान के चलिए आपने किसी के निडल पिंच कर दी, यू नो व्हाट, निडल आपने किसी के पिंच की, सुई आपने पिंच की, पता चला उसको कोई दर्द ही नहीं हो रहा। या फिर दूसरी बात बोलो, आपने किसी को पीटा, बुरा भला कहा, बहुत कुछ सुना दिया, दो चार भारी भरकम गालियां दे दी, ठीक ना, तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन टू से वो व्यक्ति किस प्रकार का स्टोइसिज्म का टाइप का है, मतलब सहनशीलता है। या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि जैसे होता है ना सुप्त हो जाना, कोई बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड होना, उदासीन जिसको मैं कह सकता हूँ, स्पेशली उदासीन टाइप ऑफ, जिसको दर्द का कोई एहसास नहीं। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इंडिफरेंट का मतलब उदासीन टू प्लेजर और पेन, ना तो खुशी का एहसास और ना ही दर्द का एहसास, ना ही दुख का एहसास, ना तो खुश रहता है और ना दुखी रहता है, अलग ही इंसान है भाई, तगड़ा आदमी, स्टोइसिज्म याद रखना। सेकुलर से सेकुलरिज्म में बना बताया था, धर्म निरपेक्ष, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी सरकार शासन जिसमें सारे धर्मों को सम्मान रूप से दर्जा दिया जाता, औहदा दिया जाता, उसके लिए बोल सकते हैं। तो सेवर सीवियर स्टोइसिज्म में सेकुलर, डन। अगले वर्ड पर आ जाओ, अगला वर्ड आपको दे दिया स्पोरिक, ठीक ना। स्पोरेडिक का मतलब हो जाता है अनियमित, कभी कभार, छुटपुट जिसको अपन बोल सकते हैं, इसका साउंड कभी कभी आप छुटपुट भी देखोगे, छुटपुट, छुटपुट मतलब कभी कभार। अरे भाई, कोई कार्य जब रुक रुक करके होता है, आज आपने काम किया, आज आपने बहुत अच्छी मेहनत की, पता चला आप दो दिन रुक गए, फिर आप तीसरे दिन कर रहे हो, तो वो आपका स्पोरेडिक हो गया, क्या हो गया, स्पोरेडिक हो गया, याद रखना। ऑक्यूरिंग एट इरेगुलर एंड इंटरवल्स इन टाइम, देखो ऑक्यूरिंग एट इंटरवल्स, मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा साइज को इसको सही कर लेते हैं जिसे आपको दिखाई दे जाए। ऑक्यूरिंग कोई भी चीज होना, ऑक्यूरिंग का मतलब होता है होना, घटित होना, कोई भी एक्शन हो सकता है घटित होना, कब कब, इरेगुलर मतलब नॉट रेगुलर,
इंटरवल्स बीच बीच में, इन टाइम बीच बीच में समय के दौरान होते रहना, डन। चलिए सोनेट आप जानते हो 14 लाइंस ऑफ जो कविता होती है, पोइम होती है, उनको सोनेट के नाम से बोल देते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है, याद रखना। स्टाइल का मतलब होता है बासी या पुरानी, तो अ थिंग और फूड विच इज नॉट फ्रेश, तो स्टाइल फूड, स्टाइल चपाती भी हम बोल सकते हैं, स्टाइल वेज भी हम बोल सकते हैं, वेजिटेबल, स्टाइल बासी का है ना, ठीक है। सोमनी लोक्विस्ट देखो क्या होता है, पहली बात तो सोमनी का मतलब होता है स्लिप, और लोकू का मतलब आप जानते होंगे टू स्पीक, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, और IST यू नो वेरी वेल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान दीजिएगा, स्लिप मतलब सोना, और बोलना, सोना बोलना मतलब सोते हुए बोलना, नींद में बात करने वाला सोमनी लॉकिस्ट कहलाता है। वन हू टॉक्स वाइल्ड स्लिप, एक जब सो रहा होता है उस समय बात करता है, बड़बड़ाता है, एट दैट कंडीशन, वेरी गुड। रैंचिट, शाबाश, बहुत बढ़िया किरण सिमरन, बहुत बढ़िया। रैंचिट का मतलब भी यही होता है बासी, जिसको रांची में उसको कैसा खाना खिलाया गया था, बासा और खराब, जिसको अपन कह सकते हैं, वेरी गुड। अगला वर्ड आपको दे दिया गया सोमनेम्बुलिस्ट, आई टेल यू दैट हाउ टू लर्न दिस वर्ड। सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, कैसे, क्योंकि सोमना तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ये तो हो गया आपको पता, टू वॉक, टू स्लिप, ठीक है, और BUL का मतलब हो जाता है टू वॉक, अब देखो, और IST जो है वो नाउन को बताता ही बताता आपका, तो स्लिप नींद में चलना, नींद में चलने वाला, वन हु वॉक्स इन स्लिप। चले स्टिकलर देखो आप, तो आग्रह या जोड़ देने वाला, ध्यान दीजिएगा, जोड़ देना, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज पर जोड़ देता है, उस कैन बी कॉल्ड स्टिकलर, हम बोल सकते हैं, स्टिक से स्टिक लाने के लिए, स्टिक के लिए, स्टिक खरीदने के लिए, स्टिक खरीदने के लिए क्या करता है, जोड़ देता है, स्टिक खरीदने की बात पर जोड़ देता है, ठीक है। स्टेरिलाइज करना, देखो स्टेरिलाइज करना क्या होता है, स्टेरिलाइज मतलब हो जाता है कीटाणुनाशक, जो कीटाणुओं को खत्म करता है, दैट कैन बी कॉल्ड स्टेरिलाइज, यू नो व्हाट, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, मैक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया स्पेशली ऑल्सो, तो जो बैक्टीरिया को खत्म कर दे, दैट कैन बी कॉल्ड स्टेरिलाइज कर देना, क्या कर देना, स्टेरिलाइज करना, ओके फाइन। चलो सामने बोली स्टिकलर, स्टिक खरीदने के लिए उसने क्या कर दिया, जिद की, आग्रह करने लगा, स्टेरिलाइज, 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 फाइन हो जाएगा, स्टेरिलाइज रिपीट करोगे तो हो जाएगा एक दो बार, और बाकी तो मैं आपको टेस्ट भी ले लूंगा इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसके क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसे कि आप कर सकते हो, फाइन। चलो जस्ट अ मिनट, अगला वर्ड आपको दे दिया स्टेराइल, आप सभी जानते हो बांझ या बंजर के लिए भी बोल सकते हैं, हालांकि ज्यादातर ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, एनिमल या फिर ह्यूमन बींग वुमन, वन हु डज नॉट प्रोड्यूस एनी बेबी, उसके लिए बोल दिया हमने जनरली। स्कलरी का मतलब होता है बर्तन साफ करने की जगह जो होती है, और देखो ये किचन में स्पेशल स्पेस होता है, जैसे सिंक लगा हुआ है वहाँ पर बर्तन साफ करने की जगह, हमारे गांव में तो खुले में ही करते हैं आपको पता, और उसको एक पर्टिकुलर नाम से बोल देते हैं, अभी देखो सारे के सारे बता देंगे किस नाम से बोलते हैं, जो गांव में बाहर की तरफ जनरली मिट्टी से साफ किए जाते हैं, ज़्यादातर देखा होगा आपने अभी भी, हालांकि अब बहुत सारे चेंजेज हुए, लेकिन गाँव में अभी भी देखो क्या होता है, एक प्रथा होती है कि पहले मिट्टी से साफ करो, उसके बाद में फिर साबुन से पानी से धोते हैं लोग, तो वो चीज़ एक अलग है स्पेशली। चलो तो स्कलरी हो गया, स्कलरी के बारे में आप जान गए, बर्तन साफ करने की जगह, अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेज एडजॉइनिंग किचन स्पेशली, तो वो किचन के ही से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन गाँव का प्रोसेस अलग हो गया। स्टब, देखो ये भी पढ़ाना जरूरी था, देखो ये भी वर्ड है, मतलब ठीक है भाई आ सकते हैं, ये भी पढ़ाओ, ठूट जिसको हम बोल सकते हैं, किसका टुकड़ा या ठूट बताओ किसका, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट स्पेशली, स्पेलिंग देख लेना सिगरेट की, CIGARETEE, तो कम से कम यही काम आ जाएगा सिगरेट, देखो सबके अलग अलग है, सब अलग अलग नामों से बता रहे हैं, ओठान आर बैड आर जो भी, ठीक है ना। चलिए फाइन, तो सिगरेट हमने बोल दिया, इसकी स्पेलिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछी गई है, SSC के एग्जाम्स में काफ़ी बार स्पेलिंग मिस्टेक में आ जाता है, CIGAR सिगार, ये देखो सिगार होते हैं ना, CIGAR सिगार, और ETEE सिगरेट स्पेशली हो जाएगा। कलरी स्टब नॉर्मली जनरली हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड दे दिए स्ट्रॉल, देखो स्ट्रॉल जो जनरली टहलना, वॉक करना, खाना खाने के बाद में जब लोग वॉक करते हैं, इसके लिए हम स्ट्रॉलिंग बोल सकते हैं। शॉर्ट वॉक वाइल प्लेजर और एक्सरसाइज, नॉर्मली एक एक्सरसाइज के बेस पर भी बोल सकते हो आप, जैसे जनरली लोग क्या कर रहे हैं खाना खाने के बाद में, जैसे मान के चलिए वॉक कर रहे, तो हम उसके लिए भी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉल करना, नहीं होता यहाँ, ध्यान दो। नेक्स्ट वर्ड आपका जो है गिवन है, स्ट्रॉल तो जनरली देखो हम यूज करते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में जब आप वॉक कर रहे हो, जनरल कंडीशन, एट दैट कंडीशन स्ट्रॉलिंग, तो आप यूज कर सकते हो, जैसे मान के चलिए कि समवन इज कॉलिंग यू, देन यू कैन से आई एम स्ट्रॉलिंग, यू आर स्ट्रॉलिंग, आर यू स्ट्रॉलिंग, यस आई एम स्ट्रॉलिंग राइट नाउ, ओके। अगला वर्ड है सटल,
सटल का मतलब होता है इधर से उधर आना। व्हाट डू यू मीन बाय सटल? अरे भाई सटल नहीं करते क्या? जैसे हम इधर से क्या हो गए वहां पर आजकल सेटल हो गए, तो दैट्स लाइक दैट सटल हो जाना, गो बैक एंड फोर्थ होना, दैट्स मीन टू से सटल यूज किया। सेंचुरी आप सभी समझते हो, अभ्यारण्य जहां पर जानवरों को एनिमल्स को रखा जाता है। अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप, अ कॉन्सिक्रेटेड, कॉन्सिक्रेटेड का मतलब पवित्र होता है, आपको पता है, प्लेस वेयर सैक्रेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स आर कैप्ट। आप जानते हो हमारे बहुत सारे अभ्यारण्य हैं जो राजस्थान में भी स्थित है, इंडिया में स्थित है, तो इसके बारे में ज्यादा क्या बताना। टेंजिबल आप पढ़ते आ रहे हो यार, टेंजिबल मतलब जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, दैट्स इट टेंजिबल। ट्रायोलॉजी, ट्राई का मतलब तीन, लॉजी का मतलब अध्ययन, ठीक है ना? तो देखो ट्राई का मतलब तीन होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन, लेकिन नाटक थे। अब ये क्या है, तीन नॉवेल्स एक प्रकार से, जिसके दौरान क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स। तो तीन प्रकार की जो नॉवेल्स होती है जिनका अध्ययन किया जाता है, कैन बी कॉल्ड ट्रायोलॉजी। ओके, टेलीपैथी, आपने टेली तो टेलीफोन से पढ़ ही लिया, टेलीफोन देखो दूर संवेदन आई गया ना, दूर दराज और दूर संचार यंत्र के लिए टेलीफोन, लेकिन ये पैथी यहाँ पर लिखा हुआ है, टेलीफोन ही टेलीपैथी मतलब संवेदन, फीलिंग, टच, ठीक है ना? तो पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, दूर संवेदन का मतलब हो जाता है जब दूसरे व्यक्ति की थॉट्स को, सोच को, या दूर से ही क्या कर लिया जाए, महसूस कर लिया जाए, तो उस कंडीशन में हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं। चलिए जो अभी आ रहे हैं उन सबको वेरी गुड इवनिंग और राधे राधे भाई। चलिए तो टेली मतलब हो गया, यू नो वेरी वेल, टेलीफोन वाला, ओके, दूर संवेदन, तो फील कर लेना किसी कंडीशन को, टेलीपैथी। अगला टॉपियरी, कृतन कला, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि गार्डन में ज्यादातर किया जाता है, तो ऐसी जगह पर जब पेड़ों को कट करके और उनको वापस से सही अवस्था में लाने के लिए, सही पोजीशन में लाने के लिए, उसको जब कट किया जाता है ऊपर ऊपर से, जैसे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकले। आर्ट ऑफ कटिंग ट्री एंड बसेज, बसेज मतलब आप जनरली झाड़ी भी बोल सकते हैं, इंटू ऑर्नामेंटल शेप स्पेशली, ठीक है ना? ऑर्नामेंटल शेप, अरे अलग अलग रूपों में, अलग अलग शेप में दिया जाता है। आपने कभी देखा होगा ज्यादातर, जैसे किसी गार्डन में देखा आपने, या फिर देखना आप कभी गूगल जाकर के, तो उसमें अलग अलग जानवरों के शेप में पेड़ों को कट करके और डिजाइन दी जाती है, शेप दी जाती है, दैट इज कैन टॉपियरी। तो टॉपियरी, तो टॉप जो होता है पेड़ों का, टॉप होता है उसको, किससे, आरी से। देखो मैंने क्या याद करने के लिए बोल दिया, टॉप को, किसका टॉप, ट्री का जो टॉप होता है, टॉप को ट्री किससे, आरी से। आरी तो एक लैंग्वेज ले सकते हैं ना, आरी जो काटने वाली होती, आरी से कट करते हैं, तो किसका, ट्री का, पेड़ों के टॉप को आरी से क्या कर दिया जाता है, काट कर उनको सेट किया जाता है। चलो टेलीपैथी हो जाएगा, पैथी पैथोलॉजिस्ट से बन रहा है, पैथी आपको पता है, पैथोलॉजिस्ट मतलब आपको पता है सभी बीमारियों का अध्ययन करने वाला। ट्रेवलोग मतलब हो जाता है, देखो एपोलॉग, प्रोलॉग, ठीक है ना, आपको एपिलॉग बताया, प्रोलॉग बताया, उसके बाद में अभी क्या आ रहा है, ट्रेवलॉग। लॉग का मतलब तो बातचीत होती है, ट्रेवल का मतलब जो ट्रेवल की जो बातचीत चलती है उसके लिए हम बोल सकते हैं। डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, किसी भी जर्नी का जो डिटेल प्लान हो उसके लिए ट्रेवल से ट्रेवल लॉग बन गया। टेनेबल, अगला वर्ड दे दिया आपको टेनेबल, तर्क संगत या मान्य, लॉजिकल जो बात होती है उसको टेनेबल के नाम से बोल सकते हैं। तो टीना बल से, ठीक है ना, टीना बल से क्या करती है, तर्कसंगत बातें करती है, एग्जैक्टली। और टिनेशियस, अगला वर्ड दे दिया टिनेशियस, याद रखना, ये पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब होता है दृढ़, ठीक ना? टीना की सांस क्या है, दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है, दक्षिण। देखो टैक्सीडर्मी जो आपको दे रखा है इस वर्ड, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टैक्स जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एग्जैक्टली चर्म से, ठीक ना? देखो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं आपको पता होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्किन रोग विशेषज्ञ, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन रोग विशेषज्ञ होते हैं उसी से बोला। तो डर्म से डर्मी बन गया टैक्सीडर्मी, तो स्पेशली डर्मी मतलब हो गया स्किन। तो चर्म प्रसादन कहने का मतलब द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग, मतलब प्रिजर्व करना, रक्षा करना, संरक्षण करना, बचाव करना, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिजर्व का मतलब संरक्षण करना, फाइन, समझो। स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और फिश स्पेशली, उनकी चर्म की रक्षा करना, डेक्समेंट। तो टैक्सी में डर्म, डर्मी मतलब आप स्किन समझिए डर्मेटोलॉजी से, तभी तो सर्दियों में डर्मिकूल लिया जाता है, गर्मियों में, सॉरी, आपने देखा होगा कि गर्मियों में डर्मिकूल बाइक किया जाता है, डर्मिकूल नाइस, जो अलग अलग प्रकार के पाउडर होते हैं वो क्यों यूज किया जाते हैं, जैसे कि गर्मी ना लगे, आपको ठंडा लगे, स्किन जो है आपकी वो क्या रहे, बिल्कुल कोल्ड कोल्ड फील हो आपको, एग्जैक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट भाई। तो डर्म का मतलब ही स्किन ही होता है, इसलिए डर्मी कूल लगा दिया, कि आपकी डर्मी मतलब आपकी चर्म जो है वो क्या रहेगी, कूल कूल रहेगी, इसलिए डर्मी कूल लगा लो। अगला बोर्ड दिया टीनेंट, किराएदार के लिए बोल सकते हैं, याद रखना टीनेंट का मतलब किराएदार, स्पेशली अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ अ रूम, हाउस और घर।
आप में से जितने भी लोग रूम पर रहते हैं, कमरा किराया लेकर के रहते हैं, तो आप सभी लोग क्या कहलाते हो? टेनेंट कहलाते हो भाई। आप सभी लोग क्या हो? टेनेंट हो। किसके? लैंडलॉर्ड के, जहां पर आप जिसके लिए जिसके पास रह रहे हो, ठीक ना। चलिए ओके, टेनेंट हो गया। टेलीस्कोप, देखो अभी बात कर रहे थे, टेलीपैथी, जो दूर से ही फील कर लेता है, सोच को महसूस कर लेता है। टेलीस्कोप देखो आप, तो टेलीस्कोप मतलब दूरबीन एक प्रकार से। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, पता चला था अभी सुशांत की डेथ हुई थी, उसके बाद में उनके जो उनके बारे में पर्सनली पता चला, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी का पता चला, तो उनके पास में भी एक टेलीस्कोप था। और बताते हैं कि चंद्रमा पर उन्होंने जगह ले रखी थी, जमीन वगैरह पता नहीं मुझे तो ऐसा कुछ, और वो यहाँ से उसको देखते थे, वॉच करते थे। अब भाई पता नहीं इट इज रियल और नॉट, बट उसके पास टेलीस्कोप जरूर था। तो देखा होगा आपने, तो दैट इज ऑल्सो टेलीस्कोप, वेरी जनरल यूज किया जाता। टॉक्सिकोलॉजी, व्हाट यू मीन बाई टॉक्सी, ये याद रखना। अरे भाई टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, जहर होता है। लॉजी का मतलब अध्ययन, तो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन्स हो गया। अगला वर्ड पर आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड भी बहुत प्यारा है, नेक्स्ट वर्ड जस्ट बिफोर यू। ओके, अगला वर्ड है थीस्ट। थीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं, कैन बी कॉल्ड थीस्ट, ठीक है ना। टीटोटलर, देखो अगला वर्ड दे दिया आपको, टीटोटलर, यहाँ से देखो टोटल वाली सी फीलिंग आ रही होगी, तो टीटोटलर का मतलब होता है नशा करने वाला, शराब पीने वाला। अ पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, देखो टिट्टू टेलर, लेकिन ये बात सही है, कंडीशन क्या कही? न करने वाला, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसको याद करने के लिए छोटी सी लैंग्वेज तो तोड़ी थी, इसको टिट्टू और टेलर, देखो इसको क्या नाम दे दिया हमने, टिट्टू टेलर जो है, टिट्टू टेलर क्या नहीं पीता? शराब नहीं पीता, नशा न करने वाला, शराब नहीं पीने वाला, शराब नहीं पीने वाला। चलो, और शराब पीने वाला शॉर्ट और टॉपर के नाम से जाना जाता है। और आपको बताया एब्स्टिन फ्रॉम, एब्स्टिन फॉर्म नहीं, एब्स्टिन फ्रॉम, एब्स्टिन मतलब परहेज करना, एब्स्टिन फ्रॉम मतलब होता है परहेज करना, ठीक है ना, बहुत इजी सा वर्ड है, परहेज करना। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर जो है, जैसे मान के चलिए लंबे समय तक अगर आप परहेज करते हो तो एब्स्टिन फ्रॉम, और शॉर्ट टाइम तक करते हो तो रिफ्रेन फ्रॉम। यू नो वेरी वेल, टोबेकोनिस्ट जो होते हैं, तंबाकू बेचने वाले भी होते हैं, तंबाकू सेल्स करते हैं स्पेशली, उसके लिए बोला गया टोबेकोनिस्ट, है ना। टोबेको का मतलब तंबाकू ही होता है, जो टोबेको सेल करते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड टोबेकोनिस्ट, राइट। टॉपर बिल्कुल, टी ओ पी ई आर यूज कीजिए, टी ओ डबल पी आर नहीं भाई। तो जो लोग टी ओ डबल पी आर, दे आर रॉन्ग, यू शुड यूज टी ओ पी ई आर। ओके, चलिए, ट्रॉन्ट मतलब समझते हो आप, नागा करने वाला। व्हाट डू यू मीन बाय नागा करने वाला? इट मींस टू से, लैंग्वेज सही है इसका, क्या ना, जो क्लास से बीच में भाग जाए, पूरी क्लास ना ले, तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूरी क्लास को ही पढ़ के जाइएगा ना, कहीं पता चले आए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पढ़ाई की और वापस से भाग गए, तो आप लोग ट्रॉन्ट कहलाते हो, ठीक ना। देखो, स्टूडेंट हु इज एबसेंट विदाउट परमिशन, ओके, इसका मतलब ये भी होता है कि बीच क्लास से चले जाना या बिना परमिशन के और घर पे रुक जाना, उसके लिए भी हम स्पेशली यूज कर सकते हैं। व्हाट? ट्रॉन्ट, क्या? ट्रॉन्ट। अनएनिमस भाई, अगला अनएनिमस का मतलब था सर्वसहमत, सबकी सहमति से, सबकी राय से बोला जाता है अनएनिमस डिसीजन, अनएनिमस डिस्क्लेमर भी आप बोल सकते हो, अनएनिमस अनाउंसमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, दैट्स मीन टू से। जैसे पारिवारिक कोई भी काम लिया गया तो सबका एनिमस अनएनिमस किया जाता है, दैट्स मीन टू से हम क्या कह सकते हैं उसको भी स्पेशली। हाँ एग्जैक्टली, बंक घनश्याम, वेरी गुड। चलिए भाई, अनप्लीजेंट का मतलब हो जाता है अरुचिकर, आप सभी समझते हो, बहुत प्यारा सा वर्ड अनप्लीजेंट। अगला देखो, ट्रिब्यूलेंट का मतलब होता है विवादित, ट्रिब्यूलेंट मतलब हो जाता है झगड़ा टाइप जिसके अंदर होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई जमीन होती है और वो थोड़ा झगड़े से, मैटर से संबंधित है, आपने कोई बाइक ले ली, कोई गाड़ी ले ली, किसी की पुरानी गाड़ी ले ली, तो पता चला बाद में जाकर के कि वो तो बिना नंबर से या चोरी की हुई गाड़ी, तो अब वो आपके लिए क्या हो गया? ट्रिब्यूलेंट ही हो गया एक प्रकार से। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जो हमारे सामने विवादित हो जाती है, झगड़ालू टाइप हो जाती है, परेशानी लेकर के आ जाती है। इंक्लूडिंग मच डिसऑर्डर, मच डिसऑर्डर का मतलब होता है बहुत सारी परेशानी आपके लाइफ में आ जाए, ट्रिब्यूलेंट होना, नाम से पता चल रहा है ट्रिब्यूलेंट, ट्रिब्यूलेंट, ट्रिबो, जस्ट लाइक डिंग ट्रिब्यूलेंट। अगला वर्ड आ जाओ जी, अगला वर्ड दे दिया वर्सेटाइल, बहुत प्यारा वर्ड है, सिनोनिम में भी आपको दिया गया होगा। वर्सेटाइल एक तो जो आसानी से मुड़ जाए, और एक होता है जो बहुमुखी प्रतिभा जिसके पास होती है, टैलेंट जिसके पास में बहुत सारा होता है, उसके लिए भी हम बोल सकते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा। वन हु पजेस, पी ओ डब्ल एस सी डब्ल एस, पजेस मतलब जो रखता है, पजेस मतलब जिसके पास है, ठीक है ना, अधिकार में है, दैट इज मैनी टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट होना। विटरन का मतलब हो जाता है अनुभवी, लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सपीरियंस और विटरन में एक अंतर होता है, कि विटरन जो होते हैं वो लंबे समय का अनुभव रखते हैं, लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टार तो मैं लगा ही रहा हूँ साथ साथ इसके, और इसको याद करने का। वेटर जो है वो लॉन्ग एक्सपीरियंस रखते हैं, वेटर को क्या था, वेटरन मतलब वेटर को लॉन्ग एक्सपीरियंस था, ठीक ना, चलिए हो जाएगा, लॉन्ग एक्सपीरियंस था वेटर को। विंडिक्टिव का मतलब हो जाता है प्रतिशोध या प्रतिशोध, वन हु इज रिवेंजफुल, जो क्या है बहुत ज्यादा रिवेंजफुल, बदला लेता है, जैसे वेंडिटा, वेंडिटा आपने पढ़ा था, तो विंडिक्टिव भी यहां से हो गया। याद करने के लिए मैं आपको यहां से बना देता हूं, नॉट बिंदी इट्स विंदी, विंदी क्या है, विंडी, विंडी, विंदी, एक्टिव होकर, विंडिक्टिव एक्टिव होकर क्या लेती है, प्रतिशोध लेती है, बदला लेती है, प्रतिशोध। वल्पाइन, बोवाइन आपने पढ़ा गाय के जैसा, केनाइन आपने पढ़ा कुत्ते के जैसा, और अब आ रहा है वल्पाइन, जिसका मतलब हो जाता है लोमड़ी के जैसा दिखाई देने वाला, दैट विच लुक्स, जो दिखाई देता है लाइक अ फॉक्स। चलिए वल्पाइन को याद रखना, बोवाइन, केनाइन और वल्पाइन, वल्पाइन, बोवाइन और केनाइन, आपने तीन वर्ड्स पढ़ दिए, आगे जैसे जैसे आते जाएंगे सबको एक साथ एक जगह याद करवा दूंगा। 956 पर आ जाओ, वल्नरेबल, आघात योग्य, जेको देखो, इनवल्नरेबल मतलब जिसको आघात नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता, महाराणा प्रताप की फोटो से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था, इनवल्नरेबल, इनप्रिग्नेबल, इनडोमिटेबल आपको बताया गया था शिवाजी के लिए, तो वल्नरेबल मतलब आघात योग्य, जिसको हराया जा सकता है, जिसको इंजर और क्रिटिसिज्म में किया जा सकता है, देखो इंजर किया जाए, क्रिटिसाइज भी जिसको किया जा सकता है, दैट इज वल्नरेबल, याद रखना। वर्बोस और सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब जरूरत से अधिक ज्यादा बोलना, या फिर अनाधिकृत होना, या एक्स्ट्रा होना किसी चीज का, यूज मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितने वर्ड्स की जरूरत नहीं उससे ज्यादा अगर आप बोल रहे हो तो दैट वर्ड कैन बी कॉल्ड सुपरफ्लुअस। या फिर मान के चलिए कि आपके पास कोई चीज है, और पहले से आपके पास में कोई चीज है, जैसे मान के चलिए कि यू हैव स्कूटी, या फिर यू हैव अ बाइक, और सेम बाइक आप और ला रहे हो जबकि आपके पास है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। एक मोबाइल आपके पास, आप चाहते हो कि एक और मोबाइल आ जाए, भाई बहुत है एक मोबाइल ही आपके पास, सो डोंट से लाइक दैट, सो वी कैन से व्हाट, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट ऑल्सो, शाबाश, कुछ लोग बता रहे हैं सर रिडंडेंस ऑल्सो, वेरी गुड भाई, रिडंडेंट भी इसी के लिए बोला जाने वाला वर्ड होता है, पैरा वर्ड है। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, विरागो, विरेगो का मतलब देखिए क्या हो जाता है, बुरा व्यवहार करने वाली औरत, देखो जेंटीपी भी मैं बोल सकता हूँ जो झगड़ालू है, श्रूबी मैं बोल सकता हूँ, ध्यान देना, श्रूबी मैं बोल सकता हूँ झगड़ालू महिला के लिए बोला गया, लेकिन विरेगो का मतलब भी क्या हो जाता है, बुरा व्यवहार करने वाली औरत, एन एब्यूजिव वुमन, एंड अब्यूजिव, अब्यूजिव का मतलब देखो, वैसे तो अब्यूज का मतलब तो गाली देना होता है, लेकिन अब्यूजिव का मतलब हो जाता है जो बुरे व्यवहार, गाली गलौज करने वाली, अपशब्द बोलने वाली, दैट काइंड ऑफ वुमेन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, विरेगो हो जाएगा। वीरा गोगो करके क्या करती है, अपमान करती है, बुरा व्यवहार करती है, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा याद करने के लिए आप चाहो तो तोड़ सकते हो कि वीरा, यहाँ से आई आ रहे है, तो आप चाहो तो यहाँ से बोल सकते हो कि वीरा गो बोलकर, गो बोलकर, ठीक ना, और कैसा व्यवहार करती है, बहुत बुरे व्यवहार करने वाली महिला है, सबको गो बोल देते, जो कोई भी जाए निकल यहाँ से, कोई भी जाएगा निकल, निकल ले, निकल ले, देखियो मत, फूटले फूटले, जस्ट लाइक दैट करती रहती है ना। वेजिटेरियन आप समझ गए, शाकाहारी जो होते हैं, ओके फाइन, चलो फाइन, चलो आगे चलते हैं, ठीक ना। विरेगो तो अच्छे वर्ड से, वल्नरेबल, विरेगो भी बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना, थोड़ा सा रिपीट करोगे तो हो ही जाएगा। वेनियल, अगला वर्ड आपको दे दिया, वेनियल मतलब जिसको माफ किया जा सकता है, वन हु कैन बी एक्सक्यूज और एक्सक्यूजेबल, ठीक ना, क्षम्य, जिसको क्षमा किया जा सकता है, दैट कैन बी कॉल वेनियल, 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 याद रखना, वेनियल, दैट्स मीन टू से। रेटिसेंट, कम बोलने वाला, शाबाश, ऐसा तो गैरुलस भी होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बोलता है उसके लिए हमने पर्टिकुलरली वर्ड यूज किया था सुपरफ्लुअस, वर्बोस। देखो वैसिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हिचकिचाहट भी बोल सकते हैं, सही बोलना, चेंज वंस माइंड टू क्विकली, देखो चेंज वंस माइंड टू क्विकली, तो टू के लिए बहुत जल्दी से माइंड को चेंज कर लेना। वैसिलेट होना मतलब अनिर्णय की स्थिति, हिचकिचाहट तो होता ही होता है, एक लैंग्वेज और बोलता हूँ मैं आपको, अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय, देखो अनिर्णय की स्थिति, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जब कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ वैसिलेट होना। तो देखो वैसिलेशन बना कहाँ से, वैसिलेट से बना, याद रखना, ये इस वर्ड से बना, ये वर्ब है और ये नाउन है, तो मैंने इसको याद करने के लिए वैसी लेट होने पर, जब भी ये वैसी लेट होती है एग्जाम में, लेट होने पर, ठीक है ना, कैसी स्थिति में चली जाती है, अनिर्णय की, पता नहीं चलता कौन सा पेपर पहले अटेंड करूँ कौन सा। विंडफॉल, पहले भी बताया था, विंडफॉल का मतलब अचानक से एक बहुत सारा अप्रत्याशित सा लाभ हो जाना, जिस लाभ के लिए आपने सोचा ही नहीं और पता चला बहुत सारा लाभ आपको हो जा रहा है, हो जा रहा है, एट दैट कंडीशन वी कैन से, हवा से गिरा फल तो होता ही होता है, लेकिन आप यहाँ से कीजिए अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, स्पेशली स्ट्रोक लग गया अच्छे लक का, दैट्स इट, ओके।
चलिए, विस्पर का मतलब फुसफुसाना, कानाफूसी करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर बात करते हुए कुछ लोग इसी तरह से बात करते थे, वो फुसफुसाना मन ही मन में, उसके कान में बोलता है उसके कान में। तो जनरली ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लो टोन में बात करना, चलो थोड़ा सा दिखाई देने में आपको कम दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल के बता सकता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। इन्होंने कहा कि यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो। कहना ये चाह रहा है कि यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियों बदलते हैं, वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं बदलते। तो याद रखना, जिंदगी में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। आप इतना सा काम कर लो कि अपने रास्ते बदल लो, क्योंकि जैसे पेड़ अपनी पत्तियां तो बदल लेते हैं, लेकिन कभी भी जड़े नहीं बदल सकते, क्योंकि जड़ तो रूट तो वही है। तो ये आपके लिए इनडायरेक्ट टारगेट है कि आप मंजिल पर जाने के लिए जो आप टारगेट जो लेके चल रहे हो, उसके लिए आपको तरीका बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। उस मंजिल को बदलने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार एसएससी में नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं राजस्थान पुलिस में चल पड़ते हैं, पटवार की तरफ चल पड़ते हैं, या फिर कुछ और एग्जाम की तरफ तैयार कर ले। नहीं, अगर एसएससी डिसाइड किया तो वही कीजिए, वो जड़ है आपकी, वो ही मजबूत और वही आपको हेल्प करेगी। बी कंटिन्यू और कंटिन्यू रहिए, लगे रहे, फाइन। चलो आ जाओ अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, विडोर। आप सभी जानते हैं विडोर के लिए, विदुर जी इसको अपन कह सकते हैं, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। देखो यहाँ पर मैन के लिए बोला जाता है, और अगर वाइफ के लिए बोला जाता है कि हुज हस्बैंड इज डेड, तो आप विडो बोल सकते हैं। जनरली यू नो वेल, विडो हो गया, ये लो विधवा। विच देखो आप, ये रहा आपका विच, हर्पी जी आपने यूज किया था, डायन या जादूगरनी, जादू कर गई रे जादूगरनी, जस्ट लाइक दैट, है ना। अ वुमन सपोज टू हैव मैजिक पावर्स यूजुअली टू डू इविल, इविल जो बुरे पावर करते हैं। देखो जादूगरनी, दैट्स मीन टू से अ वुमन सपोज टू हैव मैजिक पावर्स यूजुअली टू डू इविल, जो तांत्रिक विद्या जानती है, ठीक है ना, जो किसी को अपने वश में कर ले, दैट्स मीन टू से तांत्रिक विद्या से अपने वश में करने वाली, ठीक है ना, मैस्मराइज करने वाली किसी को। मैस्मराइज का मतलब अपने 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 चक्कर में लेने, हैरी डेन डेफिनेटली, एग्जैक्टली। चलिए फाइन, विच, विडोर और विडो बहुत प्यारा वर्ड है, तीनों वर्ड से जनरल वर्ड यूज होने वाले। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वैग। वैग का मतलब हो जाता है डिंडोलिया, डिंडोलिया कौन मस्करा जो करता है, जनरली अ जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब जो किस्से सुनाता है, यू नो व्हाट एनेक्डोट मतलब जो किस्से सुनाता है, उसके लिए जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एंड एनेक्डोट। वैग मस्करा जो मजाक करता है, हंसी मजाक करता है, लोगों को हंसाने ठिठाने का काम करता है, स्पेशली उसी के लिए हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं वैग। क्या वैग, याद रखिएगा। अगला वर्ड वेजेस, वेजेस मजदूरी, जितना कार्य किया उसका मिलेगा आपको पेमेंट ऑफ वर्क डन स्पेशली फॉर फॉर लेबर, फॉर लेबर ऑफ वो जो भी मैकेनिकल काइंड, जो भी आपने कर लिया मैकेनिकल काइंड। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी मजदूरी कर रहे हो, अरे भाई आप लोग मजदूरी कर रहे हो मतलब आप मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी मजदूरी आपकी वेजेस भी मिलेगी। कौन देगा? भगवान देगा, आपकी मेहनत देगी, आपका जो कर्म है उसका फल मिलेगा। तो कर्मों का जो फल मिलता है उसी को हम आपके लिए वेजेस का नाम दे रहे हैं। लेकिन मैकेनिकल फील्ड में जो व्यक्ति अपना काम करके मजदूरी मिनटों से, विदहोल्ड कर देना, सामना करना, देखो विदहोल्ड, खुद को विदहोल्ड करके रख लेना। परेशानियां सामने आ रही है, एग्जाम टाइम डिसाइड हो चुका है, एग्जाम डेट डिसाइड हो सकती है, तो बस डांट के रखो खुद को और अड़े रहो कि एग्जाम में सिलेक्शन लेकर के जाना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए, दिस इज फॉर योर्स, ओके। सो बी वर्क एंड डेडिकेट योर सेल्फ, ठीक है ना, खुद को झोंक दो उसमें, जो एग्जाम है उसकी तैयारी में खुद को झोंक दो, डेफिनेटली आप लोग एग्जैक्टली एग्जाम पास कर जाओगे। स्टैंड रिफ्यूजी ये टू गिव अप, जो क्या कर देता है, देखो स्टैंड जो खड़ा रहता है, रिफ्यूज टू गिव अप, लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा, रिफ्यूज जो मना कर देता है, रिफ्यूज आर ई एफ यू एस ई होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ से थोड़ी सी, कोई बात नहीं मैं सही करता हूँ ना, आर ई एफ यू एस ई, आर ई एफ यू एस ई, रिफ्यूज टू गिव अप, जो मना कर देता है गिव अप करने के लिए, है ना, अपने आप को गिव अप करने के लिए। स्टैंड जो खड़ा है, तैयार है हर मुसीबत का सामना लेने के लिए, हर मुसीबत का सामना करने के लिए। बोलते हैं ना जनरली यही तो बोला जाता है कि कितनी मुसीबत हो बस लगे रहो डटे रहो, ठीक है ना, कि हौसलों के तर्कस में एक कोशिशों का तीर जिंदा रखे, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखे, हार जाओ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखे, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखे। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड के साथ हम मिलते हैं अपन, 970 में आपको दिया जेंटीपी, जिसकी बार बार बात किए जा रहे थे,
दैट वर्ड इज जस्ट बिफोर यू इज एनटीपी XANTIPPE ओके चलो PWPE एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लड़ाकू स्त्री बोल सकते हैं, कर्कशा भी बोलते हैं जो लड़ाकू होती है, लड़ोकली जिसको अपन जनरली बोल सकते हैं। चलिए अक्वलसम वुमन दैट्स मीन टू है ना। एंटीसेप्टिक यहाँ से देखो रोगाणु रोधक आपने पढ़ा विकोवज्रदंती एंटीसेप्टिक क्रीम जस्ट लाइक दैट। तो वहां पर आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा पहले बहुत ज्यादा नेशनल टीवी पर, ये बहुत ज्यादा आता था जब हम छोटे थे तब जैसे देखा करते थे पहले तो जनरली नेशनल टीवी पर यही आता था एंटीसेप्टिक क्रीम रोगाणु रोधक या मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग। डिकम्पोज का मतलब गलना, यू नो व्हाट डिकम्पोज मतलब गलना, तो गलने से जो किसी चीज को रुके एग्जैक्टली उसके लिए हम बोल सकते हैं एफेबल। एफेबल का मतलब मिलनसार या भद्र जिसको अपन कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्यारा इंसान जिसके लिए अपन बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा था सैमरिटन का मतलब भी हो जाता है जो लोगों की सहायता करता है, तो एफेबल भी वही वर्ड होता है। चलिए डिफ्यूजिंग वार्म्थ एंड फ्रेंडलीनेस, ज्यादा से ज्यादा जो वार्म देखो गर्म जोशी को गुस्से को शांत करने वाला, दुश्मनी को खत्म करके और दोस्ती में बदलने वाले व्यक्ति को हम एफेबल के लिए भी बोल सकते हैं। दैट्स इट, शायद ये बहुत बार आ चुका है, आर्सोनिस्ट वापस से आया आपके लिए, आगजनी करने वाला या एग्जैक्टली। चलिए तो अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, जो जानबूझकर किसी बिल्डिंग में आग लगा देता है, दुश्मनों के आग लगा के आ जाता है या किसी के घर पे आग लगा के आ जाता है, उसको हम आर्सोनिस्ट बोल सकते हैं। ठीक ना, आर्सोनिस्ट बोल सकते हैं। दैट्स इट। एनिमेट का मतलब वह जिसमें जीवन हो, जीवन मतलब एनिमेट हो, एनिमेट का मतलब हो जाता है जिसमें जीवन, मतलब जो जिंदा हो, सांस ले रहा हो, जिससे आपको जीवन दान मिल सके। दैट्स कैन बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, लाइफ हो, जीवन हो, दैट कैन बी कॉल्ड एनिमेट होना, जिंदा जो हो। अमेजोन आपने पढ़ा होगा amazon.com, लेकिन किसके नाम पर पढ़ा अमेजोन, देखो यहाँ से किस नाम पर, स्त्री योद्धा, अभी तो बता रहे थे झगड़ालू, अब आगे स्त्री योद्धा। अब बोलो अ वॉर लाइक अ मैस्कुलिन वुमन, मतलब एक फीमेल वॉरियर भी जिसको आप बोल सकते हो जनरली। अगला आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड आपको दे दिया अलियास। अलियास का मतलब हो जाता है उपनाम, जैसे किसी का दूसरा नाम हो जाना, जो अपना उपनाम रखते हैं। नेम बाई विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम इन ए अदर प्लेस, फॉल्स नेम, झूठा नाम भी बोल सकते हो, उपनाम या झूठा नाम। ठीक ना, झूठा नाम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति अपना नाम दूसरा रख लेते हैं कहीं दूसरे पर जाने के लिए। ठीक है ना, दूसरी जगह जाने के बाद फैलनी, एग्जैक्टली फैलनी, ओके विवाह के साथ, तो विवाह डिफरेंट थिंग, इंसेंडरी, हाँ इंसान की डायरी में जो आग लगाने वाला सूत्र लिखा हुआ, बिल्कुल। अमेज़न सुडोनिम सबास, निकनेम इज डिफरेंट थिंग, नो दिव्या, पैट नेम इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट वर्ड। उपनाम दैट्स मीन टू से झूठा नाम बोल सकते हो आप डायरेक्ट, जैसे सुडोनिम आपने बताया दैट इज यूजफुल, एग्जैक्टली सुडोनिम। चलो एम्बिवर्ट का मतलब उभयमुखी, जैसे मैं आपको बता दूं दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट जो बाहर वालों के लिए ज्यादातर ध्यान देता है, बाहर वालों की केयर करता है, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंदर वालों के लिए सोच करने वाला, अपने परिवार के लिए, अपने स्टाफ वालों के लिए, अपने से जो जुड़े हुए लोग उनके लिए हेल्प करने वाला। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर, एम्बिवर्ट तो दोनों तरफ, तो एक्सट्रोवर्ट भी होता है एम्बिवर्ट भी होते हैं। दैट लाइक चलिए मोनिकर बिल्कुल शाबाश, एम्बिवर्ट टाइप। एस्टर तारा को ही हम बोल सकते हैं एस्टर के नाम से, स्टार से एस्टर बना। अ फ्लावर विच इज स्टार शेप, एक फूल, देखो तारा एक फूल होता है जो किसके रूप में होता है, एस्टर के टाइप में होता है, उसको हम बोल सकते हैं एस्टर। चलिए जी एबेटोर, एबेटोर का मतलब कसाई खाना, जहां पर जानवरों को काटकर और बेचा जाता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड स्पेशली। ठीक है, एबेटोर कोई ज्यादा भारी वर्ड नहीं। एबेट मठाधिकारी या मठाधीश, अ मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनास्ट्री, तो मनास्टरी का जो मैन हेड होता है, मैंने बताया था आपको ब्रिटिश में इसको मॉन्स्टेरी बोलते हैं और वुमेन, और अगर मैं बात करता हूँ इसी का अमेरिकन में, तो इसको मनास्टरी के नाम से बोल सकते हैं, तो मॉन्स्टेरी और मनास्टरी दोनों होता है। एबट पर्टिकुलरली यूज होता है जो इसका क्या होता है, अधिकारी होता है, जैसे टॉनी एबट आपको पता हो तो वन टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, अभी भी है नहीं है मुझे नहीं पता, प्रेजेंट में आपको पता होगा प्रधानमंत्री, तो मैंने कह दिया एबट जो उसका नाम है वो क्या है, मठाधिकारी, मोनास्ट्री का मठाधीश है ना, एब्रीविएशन संक्षेप कर देना, शायद कोई भारी चीज नहीं है। एबडिक्शन, एबडिकेशन तो आपको पता है त्याग देना, लेकिन औपचारिक रूप से त्याग देना, देखो टू फॉर्मली गिव अप, मतलब औपचारिक मतलब कहने का ये हुआ कि जब पूरे नियम और कानून के साथ में किसी पद को या फिर किसी को त्याग देना। एग्जैक्टली स्लॉटर हाउस, हाँ स्लॉटर हाउस, शाबाश प्रीति बिल्कुल बोल सकते हैं।
चलिए जी आगे चलते हैं। ओके जी नेक्स्ट, अगले वर्ड पर आप चलते हैं, एब्लूशन। एब्लूशन मतलब होता है धार्मिक स्नान करना। देखो सफाई तो एक जगह पर है ही है, लेकिन एग्जैक्टली सोब्रिकेट ऑल्सो। देखो एब्लूशन का मतलब धार्मिक स्नान करना। जैसे आप देखो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर नहाते हैं। जैसे मैं सबसे बड़ी बात बोलते हैं दी गंगा, यू नो व्हाट दी रिवर गंगा के लिए अगर बात करते हैं तो गंगा में क्या करते हैं लोग जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और वो ये मानते हैं कि सारे पाप अपने वहाँ पर धुल जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, दैट्स मीन टू से। तो जनरली उसी के लिए एब्लूशन वर्ड का यूज किया जाता है। अब लोशन लगाकर आप क्या कर रहे हो, धार्मिक स्नान। अब्स्ट्रूस, अगला वर्ड अब्स्ट्रूस। अब्स्ट्रूस का मतलब होता है समझने में जो मुश्किल होता है, अब्स्ट्रूस बहुत प्यारा वर्ड है। और अबंडेंस का मतलब हो जाता है अधिक या प्रचुर मात्रा में, जिसको अपन बोल सकते हैं क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। इनफ से भी ज्यादा होना अबंडेंस होता है, जितनी की जरूरत है ना उसके भी ज्यादा होना। एक्सेंचुएट, इसका साउंड लिख लेना, एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोड़ देना। तो होता है ना एक्सेंट होता है, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट, यू नो व्हाट, या फिर मैं इसी के अलावा बता सकता हूँ तो अमेरिकन एक्सेंट जो होता है, भाषा का जो एक्सेंट होता है, बोलने का जो एक स्पीड होती है, बोलने का एक तारतम्य होता है, एक कनेक्टिविटी होती है, उसको एक्सेंट बोलते हैं। तो जोड़ देना, एक्सेंचुएट करना, स्ट्रेस करना, गिव मोर फोर्स इंपॉर्टेंस टू, स्पेशली वर्ड्स के ऊपर ही यूज किया जाता है, स्पेशली वर्ड्स के लिए ही बोला जाता है एक्सेंचुएट। ओके चलो अगला वर्ड दे दिया आपको, अकॉम्प्लिस। सह अपराधी, जो अपराध में साथी होता है हम उसके लिए बोल सकते हैं। चलिए एक बार देखिएगा आप लोग, ओके आई रिपीट, अकॉम्प्लिस जो है यहाँ पर एक नाउन के रूप में है, ठेलियों एक नाउन के रूप में, सह अपराधी। सबको बता रखा हूँ अकॉम्प्लिस ISH वाला होता है, तो हासिल करना, प्राप्त करना अधिक अपने टारगेट को। एक्रोनिम देखिए आप, एक्रोनिम का मतलब होता है किसी भी वर्ड का जो पहला अक्षर होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है USA, तो USA आपने लिख दिया, वो एक्रोनिम हो गया, ठीक है ना, USA लाइक दैट। वर्ड फॉर्मेट फ्रॉम इनिशियल लेटर्स, पहले अक्षर से जो मिलकर के और वर्ड को बनाया जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड एक्रोनिम। एडेंडम, अगला वर्ड देते एडेंडम प्रीसिस्ट, मतलब हो जाता है किसी भी बुक के, किसी भी स्टोरी के, पत्र के लास्ट में जो ऐड किया जाता है। देखो थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, स्पेशली किसी बुक के एंड में जो कुछ भी चीज जोड़ी जाती है उसको हम एडेंडम के नाम से बोल देते हैं। तो ऐड कर दिया एंड में, देखो याद करने के लिए मैंने क्या बोल दिया, ऐड किया, वो भी कहां पर, एंड में, साउंड हो गया ऐड किया एंड में। तो एंड में किसके एंड में, बुक के एंड में प्रीसिस्ट हो गया। एडवर्टीजमेंट आप सभी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड विज्ञापन स्पेशली। हाँ जी आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड है अफोस्टेशन। तो आपको पता है यहां से आपको फॉरेस्ट नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है फॉरेस्ट, और फिर यहां से स्टेशन नजर आ रहा है। तो अफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन आरोपण करना, तो वन से वन आरोपण करना। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब हो जाता है पेड़ पौधे लगाना, पेड़ लगाना, बाई पेंटिंग मैनी ट्रीज करना, तो ट्रीज को पेंट करते हुए एग्जैक्टली। तो एजेंडा आपको बता दूं, घोषणा पत्र होता है एक, आपको पहले भी बता दिया एजेंडा, तो मान के चलिए कार्य सूची भी आप बोल सकते हो। देखो मैनिफेस्टो इज द डिफरेंट थिंग स्पेशली, जैसे पार्टी जो है चुनाव के लास्ट में जाकर के अपने अगले तारीख का, जो अगले सेशन का, जो भी अगले कार्यकाल का जो टारगेट पहले से फिक्स करके बताती है कि हम ये करेंगे। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, कि मीटिंग में किस किस बात पर डिस्कस करना है, किस किस पॉइंट पर हमें इशू पर डिस्कस करना है, ज़्यादा टाइम देना है, दैट कैन बी कॉल्ड एजेंडा स्पेशली हम बोल सकते हैं। और एजेंडा का सिंगुलर जो फॉर्मेट होता है सिंगुलर, दैट कैन बी कॉल्ड एजेंडम। कोई बात नहीं, चलिए बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं, अब कंटिन्यू रखिए, मैंने तो सब कुछ डाल रखा आप लोगों के लिए इसमें। ऑल्मेनिक, तो किरण यादव आपको पता ऑल्मेनिक का मतलब पंचांग होता है, राइट। चलिए एग्रेसर जो होता है, जो आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार रहता है, दैट इज आक्रमणकारी, एग्रेसर, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, एग्रेसर के नाम से बोल सकते हैं। हाँ जी अगले वर्ड की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिया हुआ है, दैट वर्ड इज वेरी वेरी इजी, आई जस्ट टेल यू हाउ। चलो ध्यान दो, अगला वर्ड आपको दिए दिया गया एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करता है, दैट कैन बी कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म स्पेशली, ठीक है ना, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जैक्टली सही है एग्नोस्टिसिज्म। एलियन जो बाहर से है, दूसरे देश का निवासी, उसी के लिए हम बोल सकते हैं एलियन, ठीक है ना। एलिगोरी, एलिगोरी का मतलब हो जाता है प्रतीकता या नीतिकता भी हम इसको बोल सकते हैं, नीतिकता के नाम से, जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है उसके लिए बोल सकते हैं। तो देखो स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज अ पीपल,
जैसे मान के चलो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बचपन में जब आप थे या फिर बचपन में दादी के द्वारा दादा के द्वारा किसी राजा की किसी रानी की कहानी सुनाई जाती है, किसी एक व्यक्ति की सुनाई जाती है कहानी। जैसे मैं आपको जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, चिड़ी और चिड़े की कहानी, चिड़े और चिड़ी की कहानी। तो ये क्या कहानी होती है, ये कहानी आपको क्या देती है, एक मॉरल स्टोरी देती है कि लास्ट में जाकर हुआ क्या था, दैट इज द क्लाइमेक्स स्पेशल। तो किसी, ये तो चलो जानवर के लिए हो गई, तभी तो बताया था फेबल मतलब जानवरों से रिलेटेड होती है, दैट कैन बी कॉल्ड फेबल। लेकिन इंसानों से जुड़ी हुई कहानी होती है तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली एलिगोरी के नाम से। तो अली भी जो है वो गोरी को क्या सुनाता था, कहानियां सुनाता था। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। अब मैं बताता हूँ अनुप्रास कैसे। कमिंसमेंट मतलब शुरुआत ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, मतलब कमिसमेंट मतलब शुरुआत, ऐसे ऐसे जैसे मान के चलिए शब्दों का जो एडजेसेंट वर्ड्स होते हैं एक दूसरे में सेम लेटर के साथ में जो स्टार्ट होते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एलिट्रेशन। अलंकार भी होता है एक प्रकार से इसको। चलिए अगला वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। अगला वर्ड आपको दे दिया एल्ट्रुइस्ट, बहुत प्यारा वर्ड है। चलो ओके फिर हो गए थे। अगला वर्ड है एल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, जिसको मैं बताऊं इस व्यक्ति के लिए ये क्या होते हैं, इनका कोई खुद का पर्सनल इंटेंशन नहीं होता, ये डायरेक्ट लोगों की हेल्प करते हैं बिना किसी सेल्फ नेगेटिव इंटेंशन के। जैसे मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका पीछे नेगेटिव इंटेंशन नहीं होता, कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो जरूरी नहीं हो कि आप उसके बदले में कुछ उनसे चाहते हो या फिर उनसे लेना चाहते हो, तो जनरली आप उनके लिए ये बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं यार कुछ नेगेटिव रीजन हो, इसी की वजह से आपसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी हेल्प करने की कोशिश करें, आपका सहायता करने की कोशिश करें, आपसे जुड़ रहे हैं वो, दैट्स लाइक दैट। तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑल्ट्रिस्ट आपने देखा होगा जो लोग शिविर लगा करके लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे आप देखो खाटू श्याम जी की हमारे पद यात्रा निकलती है तो क्या माहौल बनता है। तो स्पेशली देखा जाएगा तो ऐसे मान लो कि कई सारे लोग तो केवल खाने के चक्कर में है ना, माहौल भाई हाँ बढ़िया काम चल जाएगा, दो तीन दिन आराम से घूम के ऐसे, खाने पीने की टेंशन होती है ही नहीं, वहां पर खूब मिलते हैं पांडाल भंडारी में, तो खा पी कर मस्त आराम से फिर निकलते हैं घूमते हुए, है ना, बहुत है। एग्जैक्टली ऑल्ट्रुइस्ट जो है वो CHSL एग्जाम में आया, चौधरी मान बता रहे हैं। मैं बता दूं भाई बहुत बार पूछा जाता है, वर्ड सारे ही पूछे जाते हैं यार, कोई वर्ड अपने आप में कम नहीं है, आप तो बस इनको ध्यान दो, ठीक है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। चलो अमेच्योर का मतलब हो जाता है गैर पेशेवर, जैसे लैकिंग प्रॉपर प्रोफेशनल, देखो प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज, जैसे मैं बता दूं जिसके पास में प्रोफेशनल स्किल्स की पूरी कमी होती है, अरे भाई अनुभव की कमी होना, अनुभवहीन भी बोल सकते हो, सीधी भाषा बोलो तो अनुभवहीन, ठीक है ना, अनुभवहीन बोल दो आप सीधी भाषा में, ज्यादा कुछ घुमाने की जरूरत नहीं, अमेच्योर। चलो एमनेस्टी का मतलब हो जाता है क्षमादान करना, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। तो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स मतलब ऐसे मान के चलिए, जैसे मैंने जनरली बता दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा जब किसी व्यक्ति को समाज की जाती है, समाधान दिया जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड स्पेशली एमनेस्टी। अमन ने नेस्टी को क्या दिया, समाधान, हमने जनरली इसको यूज कर लिया, अमन ने नेस्टी को क्या दिया, समाधान दे दिया, दैट्स मीन टू से एमनेस्टी। डैबलर, डैबलर इज द नेव, एग्जैक्टली जो अनुभवहीन होता है, नेव नया नया जो सीख रहा होता है, फाइन। चलो जी आज के 1000 वर्ड्स पूरे हुए आप लोगों के, रिपीट कीजिएगा एग्जैक्टली कैलो ऑल्सो एग्जैक्टली कैलो। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं और फिर मिलेंगे कल अगेन, और मॉर्निंग क्लास में कुछ नया लेकर के, क्योंकि कल फ्राइडे है यू नो वेल, तो फ्राइडे को टेंस तो चलेगा नहीं, वी विल टेक समथिंग न्यू ऑल्सो, और बाकी इवनिंग में है ही सेम प्रोसेस, रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, और ठीक है बाकी तो कुछ नहीं, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, जहाँ तक नहीं हुआ है अभी तक वो सारा PDF आपको सेंड कर दूंगा, फाइन। चलिए ओके फाइन, तो आज के लिए यही विदा लेते हैं, ओके बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और साथ में कंटिन्यू वर्क करके भी काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।